एनर्जी, एनर्जी वाइब्रेशंस है। लोग हमें अपनी एनर्जी भेजते हैं, अपनी वाइब्रेशंस भेजते हैं। जब वो एनर्जी हमारे पास आती है, हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं। एक, हम उनकी वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसने मेरे साथ गलत तरह से बात किया, सबके सामने ऐसा बोल दिया, जब देखो दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाती है। हमने इस बात को अब्सॉर्ब कर लिया और हमें यहाँ बुरा फील हुआ, लेकिन हम यहाँ से चुप रहे, हमने उसको कुछ बोला नहीं, हम चुप रहे, लेकिन हमने उसकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब किया। दूसरा ऑप्शन है, उसने ऐसा किया, हमने तो और ऐसा कर दिया, तो हमने वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट कर दिया। एक है अब्सॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी, दूसरा है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एनर्जी, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनर्जी, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनर्जी। उन्होंने ऐसा किया, वो उनका, मेरा वाला ऐसा है, आई हैव चेंज द एनर्जी गोइंग बैक टू देम। एक, अब अगर आपने आज सिर्फ एक संस्कार को पकड़ा कि हमने सबसे प्यार और सम्मान से बात करनी है, सोचना नहीं है अभी, गलत सोच के भी सिर्फ अच्छे से बात करनी है, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है, बहुत ही गलत लग रहे हैं वो, लेकिन मुझे प्यार से और अच्छे से बात करनी है। और बहुत लोग तो ये करते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, पूरी सर्विस इंडस्ट्री, कस्टमर केयर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एक दिन सिर्फ एयरपोर्ट पे जाएं, देखें लोग कैसे कैसे बात करते हैं एयरलाइन स्टाफ के साथ, उधर की क्रू, गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और वो सामने से बोलते हैं यस सर, यस सर, सामने वाला और चिल्ला रहा है, बोलता है यस सर, यस सर। जहां उसने यस सर के बजाय थोड़ा सा एक वर्ड भी ऐसा बोल दिया, तो फिर तो वो सर को चांस मिल गया कि अब तो मेरा नाम बताओ तुम अपना, अब तो मैं तुम्हारी शिकायत भी करूं तुम्हारे सीनियर से, तुमने मुझसे उल्टा बात किया कैसे? क्योंकि हमने कहा सर्विस इंडस्ट्री मतलब हम कैसे भी बात करें, हम कुछ भी बोले, वहां से हमेशा अच्छा ही व्यवहार आने वाला है। दिस हैज अ फॉर ग्रांटेड वी हैव टेकन बिकॉज दे से दैट, दे टेक दैट गारंटी कि वो हमारे को सर्व करने के लिए है। तो फिर चाहे कोई हमें फोन करे, आप ये लोन ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ, वहां से बोल रही हूँ, हम कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, उड़ाते फिराते, कभी भी उठा के फोन कर देते हो बीच में लोगों को, इतना रूडली हम उसको बोलते हैं, तो वो कहती है नो प्रॉब्लम सर, सॉरी मैं आपको शाम को फोन करूंगी। वहां से कुछ चेंज नहीं हो रहा, वहां से नहीं चेंज हो रहा, वो अंदर नहीं कर रहे अभी, लेकिन बाहर से करने की ट्रेनिंग मिल चुकी है। और एक बार ट्रेनिंग मिल गई है, और ट्रेनिंग भी क्या है, ट्रेनिंग तो ये है कि अगर आपने गलत तरह से बात की तो आपकी नौकरी जाएगी, अगर आपने गलत तरह से बात की तो आपकी नौकरी जाएगी। अब वो नौकरी के लिए सिर्फ, क्योंकि नौकरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर चलाना है, उसके लिए हम सब तरह के व्यवहार में भी अपने गुड बिहेवियर को नहीं छोड़ते हैं, हम अपने गुड बिहेवियर को नहीं छोड़ते हैं, वो हम में से ही एक है ना, अलग तो है नहीं कोई, वो हम में से ही है। लेकिन वन डिसीशन, दिस इज फॉर माई जॉब, एंड करते करते उनको प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद तो उनको वो आसपास के लोगों के गलत व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अपना गुड बिहेवियर अपनी प्रोटेक्शन बन जाता है कि ये मेरा संस्कार है, ये उनका संस्कार है, ये तो बात कर सकते हैं ऐसा, हम नहीं कर सकते हैं, बहुत क्लैरिटी आ जाती है चीजों की। लेकिन जब हम इस बात की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा किसी ने ऊंची आवाज में बोला तो हमने और उससे ऊंची आवाज में बोलना है, क्योंकि हमने सोचा उससे ज्यादा ऊंचा बोलेंगे तभी उसको चुप करा सकेंगे, तो हम औरों को गुड बनाने में लगे हुए हैं कि उसको तो समझाऊं कि उसको ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, उसको तो सिखाऊं बात करने का तरीका कैसा होता है। तो हमारा एजेंडा औरों को गुड बनाने का चल रहा है, और सब लोग औरों को गुड बना रहे हैं, हर एक सोच रहा है मैं दूसरों को गुड बना दूं, और दूसरों को गुड बनाने की कोशिश में अपनी गुडनेस को खोते जा रहे हैं। तो आज एक दिन का एक्सपेरिमेंट, एक दिन का, कि चाहे सामने वाला कैसे भी बात करे, कुछ भी करे, वो अपने संस्कार से बात कर रहा है, मैंने अपने संस्कार से करना है, और मेरा संस्कार क्या है, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल हमारा संस्कार है वो, हमारे पास दूसरा संस्कार नहीं है। से दिस टू योर सेल्फ एवरी डे, आई डोंट हैव अनदर वे, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई संस्कार है ही नहीं दूसरा वाला, आई डोंट हैव इट,
रूडनेस मेरे पास है नहीं। इट्स लाइक आप एक दुकान में जाओ, उसको बोलो ये चाहिए, बोलेगा सर मेरे पास है नहीं है। बोलो लेकिन मुझे तो ये चाहिए। बोलो तो मेरे पास नहीं है, वो नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ रिस्पेक्ट है। अब इसको हम यूज करते जाएंगे। कुछ बार क्या होगा कि सामने वाला जब कुछ गलत बोलेगा तो हम भी रिएक्ट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही रिएक्ट करना शुरू किया, अपने आप को स्टॉप करके वापस अपने संस्कार, अपने धर्म, अपने गुडनेस पे आ जाएंगे कि मेरा धर्म क्या है। पोलाइट, सॉफ्ट, असर्टिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अपनी बात कहनी है, अपनी बात कहनी है, लेकिन अपने संस्कारों के थ्रू कहनी है। हर बात रिस्पेक्टफुली कही जा सकती है। ये भी तो कलयुग का एक बिलीफ सिस्टम है कि जोर से बोलो तो दुनिया सुनती है। जोर से बोलते बोलते दुनिया को तो सुना लिया, लेकिन खुद खुद की बात सुननी बंद कर दी है। अपने ऊपर विल पावर घटती जा रही है। उसका रिजल्ट आज अपने बच्चों में दिखाई दे रहा है। कुछ भी कहते हैं ना हम पेरेंट्स को, तो कहते हैं नहीं, बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, वो तो अपनी मन की करता है। तो फिर बच्चे हमारी बात सुनना बंद कर रहे हैं, बिकॉज वी एज अ सोसाइटी स्टार्टेड लूजिंग विल पावर। विल पावर खत्म होने लगी। तो दूसरों को नहीं सुनाना है, फोकस। अगर अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपनी इमोशनल हेल्थ बढ़ानी है, अपना इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को या और अपने परिवार को, अपनी टीम को किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू से दूर रखना है। वेरी वेरी फास्ट राइजिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक, बहुत जल्दी हम इसको कॉमन बोलना शुरू कर देंगे कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने पिछले कुछ सालों में नॉर्मल बोलना शुरू किया है। हम ये ना हो कि हम कुछ समय में अपने आसपास डिप्रेशन को देखें, एंग्जाइटी को देखें, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता रहता है। अगर हमारे पास जीवन में सब कुछ आ गया लेकिन मन ही स्ट्रांग नहीं हुआ, अपने ऊपर संयम नहीं हुआ, तो हम सारी चीजों का बेनिफिट भी कैसे लेंगे? फिर साधन हमें कंट्रोल करेंगे, हमारी खुशी कहाँ जाएगी? इसलिए ये अपने लिए हो रहा है, ये किसी और के साथ पोलाइट होने के लिए नहीं हो रहा है, ये किसी और को रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं हो रहा है, ये अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हो रहा है कि हम अपने संस्कार को छोड़ते नहीं। कोई एक आप प्लेट खरीदते हैं, आप एक ग्लास खरीदते हैं बाजार से, मैन्युफैक्चरर कहते हैं दिस इज अनब्रेकेबल, ये टूटता नहीं है, तो कोई उसको पटकता है, कोई उसको जोर से रखता है। किसी चीज के लिए कोई कहता है ये वाटर प्रूफ है, तो कोई उसको पानी में डाले और फिर वो गीला ही हो जाए, खराब हो जाए, तो कहेंगे दिस इज नॉट अ राइट प्रोडक्ट। सो हम रिस्पेक्टफुल हैं, लवफुल हैं, ये हमारा संस्कार है। एक ही लेते हैं आज, एक ही लेते हैं, कुछ दिनों में इसको अपना धर्म बना देंगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ दिनों के बाद गारंटी ले पाएंगे अपनी, आप सबको कह पाएंगे डू वॉट यू वॉन्ट, जो करना है वो कर लो, जिस तरह से बिहेव करना है कर लो, मेरी तरफ से आपको एक ही संस्कार मिलने वाला है, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ, दिस गारंटी। अब एक संस्कार में जब गारंटी ली, तो ये जो विल पावर है, आत्मिक शक्ति है, इमोशनल हेल्थ है, ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? इम्यूनिटी तब बढ़ती है कि बाहर कुछ बढ़ा, चेंज हुआ, लेकिन हम बीमार नहीं हुए, इम्यूनिटी बढ़ी। तो इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, लेकिन किसी ने कुछ कहा हम ऐसे हुए, किसी ने कहा हम ऐसे हुए, तो हम अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं बाहर की बातों से। तो इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब उन्होंने ऐसा कहा, आई वॉज हेल्दी, रिस्पेक्टफुल मीन्स आई वॉज हेल्दी, मैं बीमार नहीं हुआ, माई इम्यूनिटी स्ट्रांग। एक दिन करेंगे, अगले दिन करना और इजी हो जाएगा, पांचवें दिन करना सहज लगेगा, पहले 4-5 दिन करना मुश्किल लगेगा, 6 दिन याद रखना पड़ेगा, 7वें दिन याद नहीं रखना पड़ेगा, इट विल स्टार्ट कमिंग ईजियर, क्योंकि इमोशनल हेल्थ बढ़ती गई है। कुछ दिनों के बाद इट विल बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग, एब्सोल्यूटली नेचुरल। याद भी नहीं रहेगा कि आई हैव टू बी पोलाइट, आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, ये याद नहीं रहने वाला है। जैसे आई हैव टू बी रूड, कोई याद थोड़ी करना पड़ता है, उसने ऐसा किया तो मुझे ऊंची आवाज में बोलना है, ये याद थोड़ी करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली कर करके प्रोग्रामिंग में फिट हो गया है। तो जैसे ही कोई बटन दबाता है, आउटपुट में वो गुस्सा ही निकल कर आता है।
अब सिर्फ प्रोग्रामिंग को चेंज करनी है, फिर लोग आके कितने भी बटन दबा दें, आउटपुट सेम निकलने चाहिए। देयर बटन्स विल नॉट चेंज व्हाट कम्स आउट फ्रॉम मी। तो पहले इसको फिजिकल लेवल पर करते हैं, कोई भी एक संस्कार ले लीजिए, फिर थोड़े दिन करते 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 हमारी ये इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ेगी, मतलब हमारी सोल पावर बढ़ रही है।